सबमिट होने के बाद आपका व्हाट्सएप जो है 5 से 8 घंटों के अंदर आपका बैन व्हाट्सएप अनबैन हो जाएगा। तो इस तरह से भाई आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपका व्हाट्सएप बैन हुआ है, ईमेल आईडी डालनी है, दोबारा से ईमेल आईडी डालनी है और सिलेक्ट करना है आप एंड्रॉयड पे यूज़ करते थे व्हाट्सएप को या आईफोन पे यूज़ करते थे। तो जो जो यहाँ पर नोट आपको लिखना है, एप्लीकेशन जो लिखनी है वो मैं अपने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वही एप्लीकेशन आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में मैं बात करूंगा व्हाट्सएप के बारे में। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया है। तो भाई आज की वीडियो में मैं बात करूंगा बैन व्हाट्सएप को कैसे अनबैन करें। मतलब अगर आपका व्हाट्सएप भी बैन हो गया है और आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आपका वो बहुत पुराना नंबर था जिससे आप व्हाट्सएप चलाते थे और आपका अकाउंट वहाँ पर बैन हो गया है, व्हाट्सएप ने उसको बैन कर दिया परमानेंटली। बैन होने के बाद आप अपने व्हाट्सएप से कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उस नंबर से आप व्हाट्सएप कभी चला नहीं पाओगे। तो आज आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने व्हाट्सएप को अनबैन कर सकते हो, मतलब उसी नंबर से व्हाट्सएप दोबारा से चला सकते हो। तो दो तीन सेटिंग बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बताऊंगा भाई कि आपका व्हाट्सएप बैन कैसे होता है, कि मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे भाई मेरा व्हाट्सएप बैन क्यों हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो आपको पता नहीं आप करते हो ऐसा, आपको अनजाने में आपसे गलती हो जाती है, आप कई बार ऐसी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी कर देते हो जिनसे व्हाट्सएप को लगता है कि आप भाई कुछ ना कुछ गलत फॉरवर्ड कर रहे हो, कुछ स्कैम चला रहे हो, तो उस वजह से आपका व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर देता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन होता है। सबसे पहले तो भाई अगर आप किसी सोशल ग्रुप में हैं, कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, किसी पार्टी का ग्रुप है, उसमें आप हैं, उसमें आप उसके मेंबर हैं और वहां पर आप कोई ऐसा मैसेज करते हैं जो भाई व्हाट्सएप के खिलाफ होता है, वहां पर कोई वीडियो भेजते हैं जो शूटिंग की वीडियो होते हैं, मतलब किसी को कोई गोली मार रहा है या कोई गाली गलौज कर रहा है या कोई किसी को पीट रहा है, बच्चे को पीट रहे हैं, या वहां पर आप कोई पोर्न जो है फॉरवर्ड करते हो, या भाई वहां से आप ऐसा करते हो उस ग्रुप में से आप भाई लड़कियों के नंबर निकालते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं ग्रुप में, वहां से लड़कियों के नंबर निकालते हैं और वहां पर उनको अलग अलग मैसेज सेंड करते हैं। तो उससे होता क्या है भाई, उससे सामने वाला बंदा जिसके पास भी आप मैसेज करते हैं वो उनका मैसेज का जवाब नहीं देता है, तो उससे क्या होता है लोग इरिटेट हो जाते हैं, उस नंबर को भाई वहां पर ब्लॉक कर देते हैं, उसकी रिपोर्ट कर देते हैं। तो वहां पर अगर आप भाई ऐसा करते हैं तो उससे भी आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो सकता है। तो इसी तरह से अगर आप भी किसी नंबर को बार बार अननोन नंबर को जिसे आप जानते नहीं हो और उसका नंबर आपके पास है, कहीं ग्रुप से लिया है, कैसे भी आपने ले लिया है, और वहां पर आज आपने उस कम से कम 10 लोगों को मैसेज किया या 20 लोगों को मैसेज किया, और कल को भी आपने ऐसे ही किया और परसों को भी ऐसे ही किया, तो वहाँ पर कुछ लोग इरिटेट होकर आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, आपके नंबर की रिपोर्ट कर देते हैं। तो व्हाट्सएप को लगता है कि भाई आप कुछ स्कैम कर रहे हैं, कुछ जो है गलत चीज़ें फॉरवर्ड कर रहे हैं, कुछ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से व्हाट्सएप को लगता है कि आप कोई इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी कर रहे हैं, इस वजह से भाई आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन होता है। तो आप सोचते हैं बैन कैसे होगा, तो ये सारे कारण होते हैं भाई व्हाट्सएप बैन होने के। अब मैं आपको बता दूं भाई आप अपने व्हाट्सएप को कैसे अनबैन कर सकते हैं अगर आपका व्हाट्सएप बैन है। तो सबसे पहले आपको मैं मोबाइल की डिस्प्ले पर बताऊंगा आप कैसे व्हाट्सएप को अनबैन कर सकते हैं। वीडियो पर पूरे बने रहो और भाई वीडियो को पूरा देखना, आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगा आपको क्या करना है। तो मैं मोबाइल की डिस्प्ले पर बताता हूँ आपको, यहाँ पर साइड में आपको डिस्प्ले दिख जाएगी, वहीं पर आपको बताऊंगा सब कुछ। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरे पास ऐसे बहुत मैसेज आए हैं, बहुत कमेंट आए हैं कि भाई मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया, उसको आज अनबैन करने के तरीके बताऊंगा आपको। वीडियो को पूरा फॉलो करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो देखिए भाई अगर आपका भी व्हाट्सएप बैन हो गया तो अब आपको बताऊंगा आप उसको कैसे अनबैन कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आप जो भी अपने फोन में कोई ब्राउजर यूज करते हैं, आप क्रोम यूज करते हैं, ओपेरा, मोजिला, कोई भी एनीथिंग आप ब्राउजर यूज करते हैं, तो आपको जाना है अपने ब्राउजर पे। ये जैसे मेरा ब्राउजर है क्रोम, मैं इसको यूज करता हूं। इस पर आने के बाद आपको यहां पर सिंपल गूगल का एक जो है पेज खुलकर आपके सामने आएगा। ये देखिए मैं आपको, मैंने पहले यहां पर खोल के देखा था, ये देखिए यहां पर आपको गूगल का कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहां पर गूगल में सर्च करना है भाई व्हाट्सएप सपोर्ट, मैंने पहले सर्च किया था, पहले मैं पूरी जो वीडियो बनाता हूं उसकी जो पहले मैं भाई पूरी जो है तैयारी करता हूँ, पहले देखता हूँ जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ वो सही है नहीं है, तो उस तरह से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर व्हाट्सएप सपोर्ट पर क्लिक करना है, यानी कि व्हाट्सएप सपोर्ट आपको सर्च करना है। जो भी सबसे पहला लिंक खुलकर आएगा ये देखिए व्हाट्सएप का, या ये व्हाट्सएप की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपके सामने खुलकर आएगी। यहाँ पर आएगा कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको दिखा देगा भाई देखिए व्हाट्सएप मैसेंजर और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप। मतलब अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करते हैं या आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं, तो सबके लिए यहाँ पर व्हाट्सएप ने ऑप्शन दिया हुआ है कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप बैन को, यानी कि बैन व्हाट्सएप को कैसे अनबैन कर सकते हैं। तो देखिए भाई अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं नॉर्मल व्हाट्सएप, अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस चलाते हैं तो आपको नीचे यहाँ पर क्लिक करना है, अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, मतलब आपको कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप का ऑफिशियल पेज आपके सामने आएगा, यानी कि हेल्प सेंटर आएगा। यहाँ पर आप जो भाई व्हाट्सएप की टेक्निकल सपोर्ट टीम होती है, जो भी व्हाट्सएप की जितनी भी टेक्नोलॉजी है व्हाट्सएप की, जो वहाँ पर
पर देखते हैं कि व्हाट्सएप में क्या गड़बड़ है, कैसे कैसे वहाँ पर फीचर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वही टीम यहाँ पर आपका जो है काम करेगी, उसी को आप यहाँ पर मैसेज करोगे। आपको क्या करना है, आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आपको यहाँ पर पहले कंट्री कोड अपना सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, कुछ भी जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वही मोबाइल नंबर डालना है जिससे आप व्हाट्सएप चलाते थे, और वही आपका व्हाट्सएप जो है उसी नंबर से बैन है, वही आपको यहाँ पर डालना है। मैं आपको एक नंबर डाल के दिखा देता हूँ, मेरा जो है एक नंबर है यहाँ पर, मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। देखिए भाई, जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर डाल दिया, उसके बाद मुझे यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस डालना है। जैसे मैं कोई भी यहाँ पर ईमेल एड्रेस अपना डाल देता हूँ, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ऐसे आप ईमेल एड्रेस डाल देंगे यहाँ पर, उसके बाद आपको नीचे भी वही ईमेल एड्रेस यहाँ पर कॉपी कर देना है, मतलब पेस्ट कर देना है। सेम एड्रेस आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस अपना डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आप एंड्रॉइड में अपना व्हाट्सएप यूज करते थे, आईफोन में या वेब पे या डेस्कटॉप पे, जैसे आजकल लिंक्ड डिवाइस के जरिए आप डेस्कटॉप पे अपना व्हाट्सएप चला सकते हो, किसी भी वेबसाइट पे, मतलब किसी भी विंडो पे आप अपना व्हाट्सएप चला सकते हो, या कायोस है या अदर है। तो मोस्टली लोग जो है भाई एंड्रॉइड का यूज करते हैं, तो जो अगर आप एंड्रॉइड से चलाते हो तो आपको एंड्रॉइड पर क्लिक करना है, आईफोन से चलाते हैं आईफोन पर, तो मैं एंड्रॉइड से आपको बता रहा हूँ। तो आपको एंड्रॉइड पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको आ जाए, नीचे आपको यहाँ पर एक भाई सेक्शन दिखाई देगा जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर ब्रीफली लिख सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, कैसे कैसे आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हुआ है। तो आपको यहाँ पर कोई एक एप्लीकेशन लिखनी है, जैसे आप पहले लिखा करते थे स्कूल में कोई भी एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप से रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे भाई अपना व्हाट्सएप जो है अनबैन कराना है। वो मैंने एप्लीकेशन आपके लिए लिख कर रखी हुई है, उसको मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और यहाँ पे भी आपको वो ही पेस्ट करना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक जो है नोट यहाँ पर बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये मैंने जो यहाँ पर एप्लीकेशन लिख के रखी हुई है व्हाट्सएप के लिए, ये सारी एप्लीकेशन है, यही आपको यहाँ पर ये मैंने एप्लीकेशन लिखी हुई है। हाय डियर व्हाट्सएप सपोर्ट टीम, ग्रीटिंग, माय नेम इज ना, आपको अपना नाम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, वही नंबर लिखना है जिससे अपना आपका व्हाट्सएप बैन हुआ है। तो ये जो है एप्लीकेशन आपको यहाँ पर पूरी कॉपी कर लेनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारी की सारी, आपको वहीं से इसको कॉपी करना है भाई, और कॉपी करने के बाद आपको उसी पेज पर आ जाना है। उस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ पर उसको पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है, अपना नंबर, अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, सारी सब कुछ डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर नीचे पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख देना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा भाई, देखिए नीचे आपको क्या दिखाई देगा मैं दिखाता हूँ। नीचे आपको दिखाई देगा भाई यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है व्हाट्सएप के पास चली जाएगी, और इस सेटिंग को कर लो भाई, अपना व्हाट्सएप अनबैन कर लो। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक।